रुकुटी के मध्य विराजमान मैं चैतन्य सितारा एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। अनुरेणु से भी सूक्ष्म हूं, बिंदु हूं, ज्योति स्वरूप हूं। मैं आत्मा हूं, पुरुषोत्तम संगम युग पर और संगम युग के भी इस श्रेष्ठ समय पर जहां सर्व आत्माएं अज्ञान की निद्रा में सोई है, जहां सर्व आत्माएं संसारिक विषय साधनों में मगन है, वह मैं आत्मा ज्ञान की रोशनी में परमपिता परमात्मा प्यारे शिव बाबा के साथ में मिलन मना रही। जहां एक तरफ संसार के बुद्धिजीवी इसी कलियुग को बचाने में तथा इसको ही सुंदर बनाने में लगे हैं, उन्हें नहीं पता यह संसार परिवर्तन होकर नई दुनिया आने वाली है। मैं यहां प्यारे प्रभु के साथ में अपनी नई दुनिया के राज्य भाग्य को प्राप्त कर रहा हूं। वर्तमान समय की आत्माएं संबंधों में संसार के साधनों में सुख ढूंढ रही है, और स्वयं को दुख अशांति निराशा और हताशा में ही पा रही है। और मैं प्रभु प्रेम के लगन में मगन आत्मा प्यारे परमात्मा शिव बाबा के साथ मिलन मना रही हूं। अतीन्द्रिय सुख का शांति का
परमानंद का अनुभव कर रही हूं। कितना अनोखा जीवन है, कितना अमूल्य जीवन है। इतना श्रेष्ठ और महान जीवन है मुजात्मा का। जहां संसार का हर कदम उन्हें विनाश की ओर लेकर जा रहा है, और मेरा हर कदम नई दुनिया की रचना रच रहा है। बाहर मेरा भाग्य, मुझे अपने भाग्य पर नाज है। कितना नशा, आनंद अनुभव हो रहा है। मेरे जैसा भाग्य शायद ही किसी को इस संसार में प्राप्त हुआ होगा। मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं निरंतर प्यारे शिव बाबा की यादों में समाई हुई हूं। मुजात्मा का हर कर्म, मेरा हर संकल्प, मेरे हर बोल निरंतर बाबा की यादों में है। मैं निरंतर कर्म योगी आत्मा हूं। प्यारे बाबा की यादों में किया हुआ हर कर्म मुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर रहा है। बाबा की यादों में किया हुआ हर कार्य मेरे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करता जा रहा है। कितनी सहज कितनी सिंपल विधि बाबा ने मुझे दी है। पतित से पावन होने की, विकर्मों के बोझ को समाप्त करने की, जन्म जन्मांतर में तो विकर्मों के बोझ के तले
पश्चाताप के बोझ के तले, ग्लानी के बोझ के तले में दबी हुई थी। और निरंतर विषय सागर में डूबती जा रही थी। प्यारे बाप दादा, आप आए और मुझ आत्मा को विषय सागर के दलदल से बाहर निकाला। पश्चाताप ग्लानी की अग्नि से मुक्त कराया और विश्वास दिलाया कि बच्चे तुम मेरे हो, मेरे ही समान पवित्र हो, शुद्ध हो। कितनी खुशी और आनंद हो रहा है और कितनी खुशी और आनंद का अनुभव हुआ था। जब बाबा ने कहा तुम मेरे हो, मेरे जैसे हो, मैंने तो जन्म जन्मांतर स्वयं की ग्लानी करते करते संपूर्ण तम प्रधान बना दिया था। और आज इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सृष्टि चक्र के अंतिम समय में परम प्रिय श्री बाबा मुझे मिले, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, दिल शिकस्त नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना, कुछ भी हो जाए तो बस दिल से पुकार लेना कि मेरे बाबा आ जा, मेरे बाबा आ जा, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। कितनी बड़ी गारंटी, स्वयं भगवान मुझे दे रहे हैं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, एक पल के लिए भी अलग नहीं हूं। मैं बाप दादा की यादों की लगन में मगन हूं, अलौकिक नशे में हूं, आनंद में हूं। प्यारे बाप दादा से
वतन से। अनंत स्नेह और प्रेम की किरणें बाबा के मस्तक और नैनों से निकल रही है और मुझात्मा में समा रही है। कितना सुंदर मिलन है ये। कितना अलौकिक अनुभव हो रहा है। जहां एक दूसरे से हम दोनों भी बढ़ चढ़ कर स्नेह करते हैं, ना मैं उनकी बात को टालता हूं और ना वो मेरी बात को। इतना सम्मान देते हैं मेरे बाबा मुझे। कहते हैं बच्चे, तुम मेरे मस्तक के मणि हो, मेरे दिल तख्त नशीन हो, मेरी आंखों के नूर हो, मेरे सर का ताज हो, मेरे इस ब्राह्मण परिवार की लाज हो, मर्यादा हो, विश्व की आधार मूरत हो। आहा, इतनी श्रेष्ठ नजर से, इतनी ऊंची दृष्टि से सिवाय मेरे बाबा के और मुझे कोई देख नहीं सकता। कितने आनंद और नशे का अनुभव हो रहा है। बाबा मुझे अपनी स्नेह और प्रेम की लहरों में समाता जा रहा है। मेरा रोम रोम प्रेम के सागर में समाया हुआ है। प्रभु प्रेम के रंग में मैं आत्मा संपूर्ण रंग चुके हैं। अब सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। प्रेम के सागर अनंत गुणों के सागर शिव बाबा, प्यारे बाप दादा, मुझे भी आप समान बना रहे।
सूक्ष्म वतन से। मैं देख रहा हूं, मैं आत्मा देख रही हूं। अनंत शक्तियों की धारा, प्रेम की धारा मुझे आत्मा में उतर रही है। और मैं इन गुणों और शक्तियों से भरपूर होते जा रही हूं। मुझे आत्मा से यह आनंद, प्रेम और शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही है। वातावरण को भी आनंद से भर रही है। संपूर्ण पावन बना रही है। मैं इस प्रकाश की देह में विराजमान चैतन्य सितारा मैं आत्मा देख रही हूं। कि मुझे आत्मा से ये शक्तियां दसों दिशाओं में फैल रही है। और सारे विश्व को संपूर्ण पावन और शक्तिशाली बना रही है। मैं फरिश्ता जहां पर हूं वहां का वातावरण यहां की आसपास की सर्व आत्माएं भी प्रभु प्रेम के इस रंग में रंग रही है। प्रभु प्रेम को अनुभव कर रही है। और आत्माओं का जीवन भी आनंद से भरपूर हो रहा है। मैं आत्मा डबल लाइट देव फरिश्ता इस साकार देह को छोड़
सूक्ष्म वतन की ओर चलता हूं। प्रभु प्रेम में समाया हुआ फरिश्ता, मैं आत्मा बादलों को पार करते हुए, चांद तारों को भी क्रॉस करते हुए, अपने परमपिता प्यारे बाप दादा के सम्मुख पहुंच जाता हूं। प्यारे वतन में कितना हल्कापन है, कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था है ये। डबल लाइट स्थिति का कितना सुंदर अनुभव है ये। प्रकाश की ये दुनिया जहां चारों ओर चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है, मेरे बाप दादा मेरा स्वागत कर रहे हैं। आओ मेरे से खिलदे बच्चे, मेरे सपूत बच्चे, आओ प्यारे बाप दादा, प्यारे बाबा पुष्प वर्षा से मेरा स्वागत कर रहे हैं। इतना स्नेह और प्रेम करते हैं मेरे बाप दादा मुझे, कितना सम्मान देते हैं। मैं बाप दादा के स्नेह में समाती हुई, मैं आत्मा बाप दादा के बिल्कुल सम्मुख बैठ जाती हूँ। बाबा के रूहानी नैन मेरा श्रृंगार कर रही है, मुझे रत्नों से सजा रही है। एक एक गुण रूपी रतन मेरे मस्तक पर सजा रही है। गुणों का ताज मुझे पहना रही है। मुझे वरदान दे रहे हैं बाप समान भगवान। पूरे सूक्ष्म वतन में यह संकल्प की लहर फैल गई है।
ปัจจิงบาปสมานภวะบาปสมานภวะบาบามุจิเกรหิฮะเมเรลาคลีปัจจิงअब तुम्हें संसार की सर्वात्माओं का उद्धार करना है। मास्टर त्रिमूर्ति बन दिव्य कर्तव्य करनी है। संसार की सर्वात्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अब तुम निरंतर विश्व कल्याण के कार्य में, विश्व के उद्धार के कार्य में समाये हुए हो। विश्व सेवा का अधिताज बाबा मुझे पहना रहे हैं। मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता डबल ताजधारी स्वयं को देख रहा हूं। वतन में बाप दादा के साथ साथ मम्मा आदरणीय दादियां आदि रतन आत्माएं भी इमर्ज हो गई है और सभी बहुत ही स्नेह और प्रेम से मुझ आत्मा को निहार रही है। सभी आत्माएं मेरे ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही है, वरदानों की वर्षा कर रही है। हर एक आदि रतन अपनी अपनी विशेषता मुझे प्रदान कर रहे हैं। मैं ईश्वरीय परिवार की स्नेही लाडली आत्मा स्वयं को अनुभव कर रहा हूं। मैं प्यारे बाप दादा के साथ में और सभी आदि रत्नों के साथ में सूक्ष्म वतन को छोड़कर साकार वतन में
विश्व के ग्लोब के ऊपर स्वयं को देख रहा, देख रही। मैं आत्मा दिव्य फरिश्ता, इस सूक्ष्म देह के साथ में धीरे धीरे बाप दादा के सूक्ष्म देह हमें समाता जा रहा। मैं और बाप दादा बिल्कुल कंबाइन स्वरूप चारों ओर सारे विश्व में प्रत्यक्षता की लहर फैल गई है। मैं देख रहा हूं विश्व गगन में सर्व ब्राह्मण आत्माएं आदि शक्तियों के रूप में, देवी देवताओं के रूप में प्रत्यक्ष हो गई है। संसार की समस्त आत्माएं अपने अपने इष्ट को अपने सामने पाकर खुशी से झूम रही है। अपना सर्वस्व अपने इष्ट के सामने समर्पित कर रही है। और मैं देख रहा हूं प्यारे बाप दादा समस्त देवताओं के द्वारा आत्माओं के सर्व प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। आत्माओं को विकारों के बंधनों से मुक्त कर रहे हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त कर रहे हैं। संसार की सर्व आत्माएं संपूर्ण पावन हो गई है। प्रकृति का कण कण सतु प्रधान हो गया है।
अब मैं देख रहा हूं। मैं और बाप दादा और सभी आदि रतन नीचे साकार वतन में विमान नगर के ऊपर अपनी अनंत शक्तियों को सर्व शक्तियों को चारों ओर फैला रहे हैं। विमान नगर में भी चारों ओर प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज गया है। शिव शक्तियां आ गई धरती पर, शिव शक्तियां आ गई। आत्माएं बाप दादा को ढूंढते हुए, अपने इष्ट देव और देवियों को ढूंढते हुए बाबा के सेंटर्स पर पहुंच रही है। सारे विश्व के बाबा के स्थान आत्माओं के लिए आश्रय स्थान बन गए हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति के केंद्र बन गए हैं। और वहां के सर्व भाई बहने निमित्त आत्माएं आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति की गेट पास दे रहे हैं। मैं और बाप दादा और सभी आदि रतन वापस सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं। सारे संसार की आत्माएं सर्व प्रकार से संतुष्ट हैं। मैं बाप दादा से विदाई लेकर, आदि रत्नों से विदाई लेकर वापस साकार वतन में साकार दुनिया में साकार देह में प्रवेश करता हूं। रुकुटी के मध्य
Mecheten Nisidara. Bab Saman Stiti Mistit. Vishwakalyan Kari. Udhar Murat. Mecheten Niyati. Bab Saman Stiti Stithum. Me Bab Saman Stiti Stithum. Me Bab Saman Stiti Stithum. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.